Welcome to Full Stack Web Development Course. My name is Meenakshi and I'm your trainer for this video session. आज के वीडियो सेशन में हम बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे. कैसे हम किसी बॉक्स के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, उस बॉर्डर किसी भी बॉक्स के बॉर्डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मार्जिन कैसे दे सकते हैं और डिस्प्ले और हाइड कैसे कर सकते हैं किसी भी बॉक्स को. जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, CSS HTML एलिमेंट्स को ऐसे ट्रीट करते हैं कि उनके पास अपना एक खुद का ओन बॉक्स है. तो हम CSS के अंदर HTML एलिमेंट्स को ऐसे अज्यूम करते हैं कि उनका एक बॉक्स है. उस बॉक्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं और मार्जिन सेट भी कर सकते हैं. ये सब हम कैसे करेंगे, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे पहले समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल टाइटल हम यहाँ पे बॉक्सेस देते हैं. इसके अंदर स्टाइल एलिमेंट का यूज करेंगे. स्टाइल एलिमेंट टाइप एट्रीब्यूट को कैरी करेगा. डबल कोट्स टेक्स्ट CSS close body curly braces. Now अब हम define करेंगे box के size को. height 300 pixel, width 400 pixel, background color aqua. So यहाँ पे हमने body को define कर दिया है, जिसमें हमने उस box की height, width और background color को यहाँ पे define कर दिया. हेडिंग्स पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं. हाइट 75%, विड्थ 75%. आ हाइट और विड्थ आप अपनी अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं. बैकग्राउंड कलर अब हम बॉडी को डिफाइन करेंगे. बॉडी के अंदर पैराग्राफ सेव करेंगे फाइल को. अब हम ओपन करते हैं C2C1. सो आप देख सकते हैं एक बॉक्स बन के आ चुका है, जिसमें हमने हाइट और विड्थ 75% डिफाइन की थी और कलर ब्राउन. बॉडी के अंदर हमने 300-400 पिक्सल डाला था और एक्वा कलर. यहाँ पे हम चेंजेस करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल 100-200 सेव करेंगे. आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में चेंजेस हो चुके हैं. हमारा कलर और साइज चेंज हो गया है.
इस तरह से हम बॉक्स के डाइमेंशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी पैराग्राफ की मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम मिनिमम विड्थ को भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ को बढ़ा के देखते हैं, थ्योरम 14 मिनिमम विड्थ स्लैश विड्थ मैक्स विड्थ मिनिमम और मैक्स विड्थ को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, मैक्स विड्थ फाइल को सेव करेंगे। नाउ ओपन करके देखते हैं, हमारी मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ आ चुकी है। मिनिमम और मैक्स विड्थ का यूज हम पेज को एक्सपैंड श्रिंक करने के लिए करते हैं। मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी ये स्पेसिफाइज करती है जो स्मॉलेस्ट साइज है किसी भी बॉक्स का वो मिनिमम इतना होना चाहिए, और मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी ये इंडिकेट करती है कि मैक्सिमम विड्थ किसी भी बॉक्स की कितनी हो सकती है, हम उसे कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी तरह से हम मिनिमम हाइट और मैक्स हाइट को भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमम हाइट और मैक्स हाइट मिनिमम हाइट और मैक्स हाइट। फिफ्टी परसेंट 70। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे चेंजेस को हम देखेंगे। सो हमारा चेंजेस हो चुके हैं। हमने यहाँ पे मिनिमम हाइट 50% डिफाइन की थी और मैक्स हाइट 75%। सो मिनिमम 50 आपको देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम हाफ पेज की जो हाइट है वो मिनिमम है और मैक्सिमम 75% हमने डिफाइन कर दी। इस तरह से हम किसी भी बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ओवरफ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी कंटेंट का ओवरफ्लो हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पैराग्राफ थ्योरम 200। पैराग्राफ को हमने डिफाइन कर दिया है, अब हम फाइल को सेव करेंगे,
Now open. ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ जो बॉक्स है उसके अंदर पैराग्राफ एकदम करेक्टली आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम बॉक्स की डायमेंशंस को छोटा कर देते हैं 25% 200 इट्स 40 pixels एंड 12 pixels. फाइल को सेव करेंगे. ओपन करते हैं. अभी भी हमारा पैराग्राफ में ओवरफ्लो नहीं है. परसेंटेज गिरा के देखते हैं 10%. फाइल को सेव करेंगे. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर ओवरफ्लो दिखाई दे रहा है. हमारा जो पैराग्राफ है वो बॉक्स के बाहर आ गया. इसको डिफाइन करने के लिए हम हिडन प्रॉपर्टी का यूज भी करते हैं. कितनी बार पैराग्राफ के अंदर इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है कि कोई भी बॉक्स उसे हैंडल नहीं कर पा, उसकी जगह पे हम हिडन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. ये हिडन प्रॉपर्टी हाइड करती है एक्स्ट्रा कंटेंट को और किस कंटेंट को फिट कर देती है उस बॉक्स के अंदर. इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हम स्क्रॉल बार का यूज़ भी करते हैं. स्क्रॉल बार को कैसे बनाया जाता है ये हम ऑलरेडी HTML के अंदर पढ़ चुके हैं. अब हम वाइट स्पेस और वर्टिकल मार्जिन के बारे में पढ़ेंगे कि हम बॉक्स के मार्जिन कैसे दे सकते हैं और हाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ये हम नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर पढ़ेंगे. थैंक यू.